बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसगाह जहाद शहादत की जानिब से मस्जिद की शहादत से लेकर आज तक और इंशाल्लाह दोबारा तामीर तक इस दिन को योम सियाह ब्लैक डे मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर होती है और मस्जिद एक बार जहां बन जाती है ता क़यामत तक वो मस्जिद रहती है। उसको हड़प लेना, उसको काबिज़ हो जाना, उसको हथियार लेने से उसका मुकाम मर्तबा कम नहीं होता। इंशाल्लाह दोबारा मस्जिद तामीर होगी, इंशाल्लाह दोबारा वहाँ पर हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह की आवाज़ गूंजेगी। यकीनन 6 दिसंबर 1992 को हिंदू दहशतगर्दों ने दिन के उजाले में हुकूमत की अदलिया की क़ानून की धज्जियाँ उड़ा दी और मस्जिद को ढा दिया। हमें यकीन है इंशाल्लाह दोबारा मस्जिद बनेगी वहाँ पर, दोबारा वहाँ पर हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह की आवाज़ गूंजेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं बाबरी मस्जिद की तारीख है, जो मुग़ल शहनशाह बाबर के दौर मीर बाकी बाबर के गवर्नर मीर बाकी ने इस मस्जिद को तामीर किया था और संघ परिवार ने 1992 को इस बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। और इसके बाबरी मस्जिद का कई सालों तक मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया कि जैसे बाबरी मस्जिद गैर मुस्लिमों के हवाले कर देंगे। हमारा दरसगाह जहाद व शहादत का यकीन है कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पे तामीर होंगी इंशाअल्लाह ताला, जैसे मस्जिद आया सोफिया तामीर हुई वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद भी वहीं पर तामीर होंगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।